गाइस नमस्कार टू ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज विकास और होस्ट एंड मेंटोर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेस्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट मींस फ्लुएंसी। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलते हो, सीखते हो या कुछ भी करते हो, सबसे मेन बात आती है फ्लुएंसी पे कि सर आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, और लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के चक्कर में उस चीज को बिगाड़ देते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ अभी लास्ट, मैंने क्या देखा कि देर वॉज अ पर्सन हु वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, वो बहुत तेज फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था। बट सबसे पहले आप ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश आप जो सीख रहे हैं ये एक लैंग्वेज है, और इसका काम ये होता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, थॉट्स एंड आइडियाज को सामने वालों को समझाना होता है। वी वॉन्ट टू मेक द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि भैया मेरा पॉइंट क्या है, व्हाट आई वांट टू से, उसको समझ में आना चाहिए। बट उस समय क्या हुआ कि उस पर्सन ने इतनी स्पीड में इंग्लिश बोली कि सामने वाला पर्सन वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाया कि भैया ये क्या बोल रहे, ऐसा क्यों, उनने बोला क्या, इतनी स्पीड में बोल दिया। ठीक, तो फ्लुएंसिंग मतलब ये होता है कि भैया यू नीड टू स्पीक योर सेंटेंस विदाउट स्टिकिंग अप, मतलब कि जब भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो बीच में आपको रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, स्टॉप नहीं होना है। जैसे कि जब लोग बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, माय नेम इज विकास, आई वांट टू गो टू दिल्ली फॉर गिविंग द इंटरव्यू, एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर आई विल डू अ जॉब। अब ये जो मैंने ये बोला ना, तो ये फ्लुएंट नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, बहुत से बीच में पॉज लिए, और पॉज में मैंने पॉज लिया तो ठीक है, पॉज अगर ले लो तो ठीक है, बट पॉज में मैंने और ये बोला ना, तो दैट मीन्स कि यू आर स्टिकिंग अप, योर सेंटेंसेस आर नॉट क्लियर, तो इसका मतलब फ्लुएंसी नहीं है। अब फ्लुएंसी मतलब क्या होता है, जैसे माय नेम इज विकास एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर गिविंग द इंटरव्यू, and after returning from there, I will do a show. Right? इसमें क्या हुआ, ये आपका confidence show कर रहा है, and आपके sentences जो थे बीच pause तो लिया गया, but उन pause में एक भी hesitation नहीं show रहा था। उसमें क्या हुआ, confidence show रहा था कि बंदा खुद को time दे रहा है proper और बोल पा रहा है, right? तो इस type की आपको fluency लेनी है, ना कि उस type की fluency लेनी है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, एक अलग टाइप की फ्लुएंसी होती है, जैसे कुछ इंसान ने बोला था ये, जो कि फ्लुएंसी नहीं है, ये फर्जी का है। जैसे माय नेम इज विकास, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर गिविंग द इंटरव्यू, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर आई विल टेक द एडमिशन इन दिस कॉलेज। अब ये क्या था भैया, इतनी स्पीड में बोल रहे कि सामने वाला समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली व्हाट यू वांट टू से। तो धीमे धीमे बोलना है कि माय नेम इज विकास, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर गिविंग द इंटरव्यू, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर आई विल टेक द एडमिशन इन दिस कॉलेज। ये फ्लुएंसी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज फ्लुएंसी, कि फ्लुएंसी है क्या, हमें किस टाइप से इंग्लिश बोलनी है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको यही बताना है कि फ्लुएंसी के चक्कर में आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिगाड़ ना लें, बिल्कुल तहस नहस न कर लें। सो गाइस, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।